नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चौहान जी टेक्निकल पे। दोस्तों आज मैं आप लोगों को QR कोड कैसे जनरेट किया जाता है इसके बारे में बताऊंगा। QR कोड वही जो आप लोग अपने आधार कार्ड पे देखते हैं, जो एक वर्गाकार बॉक्स होता है काले कलर का, उसमें कुछ लिखा रहता है, वो सब हम लोग स्कैन करने के बाद ही देख सकते हैं वो क्या होता है, वो कैसे जनरेट किया जाता है वो आज मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसके लिए अपने मोबाइल से यहाँ आप सर्च करें QR कोड जनरेटर। देखिए मैं सर्च किया हूँ तो इसकी वजह से मेरा आ गया है पहले, तो इसको सर्च करते ही आपको कैसा बनाना है, किसी वेबसाइट का बनाना है, कोई फ़ोटो या फिर टेक्स्ट मैसेज, ईमेल करना है किसी को, SMS करना है, जो कुछ भी करना है सब अपना इसके थ्रू आप कर सकते हैं इस वेबसाइट के थ्रू। एकदम ये फ्री वेबसाइट है, इसका कोई चार्ज नहीं है। तो मैं एक मैसेज बनाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे अपना लिख दिया टेक्स्ट में जो कुछ भी, जैसे चौहान जी टेक्निकल हो गया। और अब मैं इसको क्रिएट QR कोड पे क्लिक करता हूँ। अभी आ गया है मेरा कोड। अब इस पे फ्रेम भी लगा सकते हैं हम, चाहे जैसा जैसी ज़रूरत हो, चाहे इसको लगाना हो तो इसको लगा लें, इसको इसकी ज़रूरत हो तो इसको लगा लें। मुझे तो ये अच्छा लग रहा है, मैं इसको ऐसे कलर भी चेंज कर सकते हैं या फिर जो कुछ भी करना हो तो आप कर सकते हैं यहाँ से, इसको फिर डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये कुछ टाइम में डाउनलोड हो जाएगा, योर लिखा है ना, योर डाउनलोड स्टार्ट ऑटोमेटिकली, इसको डाउनलोड हो चुका है। तो कह रहे फिर से दोबारा डाउनलोड करना चाह रहे हैं, डाउनलोड हो गया। अब इसको ओपन करके देख सकता हूँ, देखिए ये QR कोड है, इसको हम चाहे जिसको शेयर करना हो शेयर कर सकते हैं, या फिर डाउनलोड हो चुका है हमारे मोबाइल में, शेयर करना रहेगा तो यहाँ पे अपना जाके फेसबुक व्हाट्सएप मैसेज जो भी कुछ करना है उसको कर सकते हैं, किसी को भी किसी रूप में भेज सकते हैं, पेटीएम के थ्रू भी और इंस्टाग्राम सब जिससे जिसके थ्रू भेजना है किसी को भेज सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द आएगी। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।